हेलो एवरीवन, टिकलेज एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज से हम न्यू यूनिट स्टार्ट करेंगे सेंट्रोइड, और ये आज सेंट्रोइड का फर्स्ट लेक्चर है और आज हम इसका फर्स्ट प्रॉब्लम कवर करेंगे। और ये सेंट्रोइड यूनिट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और अप्लाइड मैकेनिक्स दोनों सब्जेक्ट में होता है। इसके पहले ऑलरेडी हमने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स और कुछ टॉपिक्स हमने स्टडी किए थे, तो इसके पहले के सभी टॉपिक स्टडी करने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमें सेंट्रोइड का फर्स्ट प्रॉब्लम कवर करना है। तो सेंट्रोइड का फर्स्ट प्रॉब्लम जो हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। देखिए ये प्रॉब्लम है, इसके लिए क्वेश्चन एग्जाम में क्या रहेगा, अगर डायग्राम ऐसा है तो सेंट्रोइड फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन रहेगा कि लोकेट द सेंट्रोइड फॉर द गिवन शेप। ये शेप के लिए हमें सेंट्रोइड फाइंड आउट करने के लिए कहेगा। अब यहाँ पे सेंट्रोइड कैसे फाइंड आउट करना और क्या स्टेप्स रहेंगी वो हमने यहाँ पे स्टेप्स भी यहाँ पे लिख के रख दिए हैं। यहाँ पे हमने एक टेबल बना दिए और यहाँ पे हमें ये सेंट्रोइड फाइंड आउट करना है। इसका सेंट्रोइड फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूलेस क्या लगते हैं, सबसे पहले हम वो देखते हैं सेंट्रोइड के फॉर्मूलेस। तो देखिए फॉर्मूलेस आपके सामने है। ये देखिए ये फॉर्मूलेस है जो हमें सेंट्रोइड के कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज करना है। वैसे यहाँ पे अभी सिर्फ हमने चार शेप्स के फॉर्मूलेस लिखे हैं, टोटल छह शेप्स होते हैं, छह में से हमने सिर्फ चार शेप्स यहाँ पे लिखे हैं क्योंकि ये चार ही बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला शेप हमने लिखा है रेक्टेंगल, देन हमने लिखा है राइट एंगल ट्रायंगल, देन है सेमी सर्कल और देन है लास्ट दैट इज क्वार्टर सर्कल। फर्स्ट अगर रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है बेस इनटू हाइट। देन सेकंड शेप है राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है हाफ बेस इनटू हाइट। ओके, या तो आप इसको लेंथ इनटू ब्रेड या फिर हाफ इनटू लेंथ इनटू ब्रेड ऐसा भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देन यहां सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर बाय 2 और क्वार्टर सर्कल का एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर बाय 4, आर माने रेडियस। तो फाइनली ये चारों शेप्स के हमने एरिया का फॉर्मूला बता दिए। अब हमें ये जो शेप है ये शेप का सेंट्रोइड फाइंड आउट करना है, इट मींस हमें पूरे शेप का सेंटर निकालना है। सेंट्रोइड को सी से शो करेंगे, ये देखिए हम यहां पे बताएंगे सेंट्रोइड सी, सेंट्रोइड को हम यहां लिखेंगे सेंट्रोइड दैट इज सी, और सी जो सेंटर हमें फाइंड आउट करना है उसके कोऑर्डिनेट्स दैट इज एक्स बार वाई बार। तो ये x बार y बार इट मींस हमें सेंट्रोइड कैसे फाइंड आउट करना है वही हमें यहां पे स्टडी करना है। ये सेंट्रोइड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे जो हमें इसके बाद जो यूनिट पढ़ना है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और देन है प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट टॉपिक लेकिन सेंट्रोइड है, सेंट्रोइड पहले पढ़ने का, सेंट्रोइड के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया देन प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, ऐसा ये पूरा यूनिट है। इसमें एक और टॉपिक आता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये जो सेंट्रोइड है ये सिर्फ प्लेन्स का होता है, इट मींस रेक्टेंगुलर प्लेन, सर्कुलर प्लेन, सेमी सर्कुलर प्लेन, क्वार्टर सर्कुलर प्लेन, देन आफ्टर आइसोस्केलस ट्रायंगल, देन राइट एंगल ट्रायंगल, ये इस टाइप के प्लेन्स के लिए सेंट्रोइड होता है। जबकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी को जी से शो किया जाता है, जैसे हमने कहा कि सेंट्रोइड को सी से शो करते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को जी से शो करते हैं। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो सॉलिड का होता है, जैसे पिरामिड या प्रिज्म या कोन या सिलेंडर या स्पीयर या हेमिस्पीयर, ये जो सॉलिड होते हैं सॉलिड का जब सेंटर निकालते हैं तो उसको कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और जब प्लेन्स का सेंटर निकालते हैं तो उसके सेंटर को कहते हैं ओनली सेंट्रोइड दैट इज सी। तो फाइनली हमें यहां पे एक्स बार वाई बार फाइंड आउट करना है, ये तो कंफर्म है। तो सेंट्रोइड फाइंड आउट करने के लिए यहां पे हमने कुछ फॉर्मूलेज लिखा के दिए हैं, उसका यूज आपको करना है। सबसे पहले रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का सेंटर कहां पे होता है, देखिए रेक्टेंगल का सेंटर जो है वो रेक्टेंगल के मिडल में, इट मींस रेक्टेंगल के बीच में। और ये जो सेंटर का लेंथ है ये देखिए, ये सेंटर का लेंथ इधर भी है लिखा बेस बाय 2 और इधर भी बेस बाय 2, और यहां पे लिखा है हाइट बाय 2, हाइट बाय 2, h माने हाइट और b माने बेस। यहां पे अगर राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो राइट एंगल ट्रायंगल में इतना तो कंफर्म है कि एक एंगल 90 डिग्री का होगा, ट्रायंगल का सेंटर हमेशा 90 डिग्री एंगल के पास में होता है। अगर आप यहां प्रॉपर्ली चेक करेंगे तो ये डिस्टेंस बेस बाय 3 है, तो इधर का डिस्टेंस 2 बेस बाय 3 है। देखिए इधर का डिस्टेंस 2 बेस बाय 3 है, ये शॉर्ट डिस्टेंस, ये लॉन्ग डिस्टेंस, ये डिस्टेंस 90 डिग्री एंगल की तरफ का और ये डिस्टेंस जो रिमेनिंग है वो 2 बेस बाय 3, हाइट में भी उसी टाइप का है। देखिए 90 डिग्री एंगल की तरफ का ये डिस्टेंस है हाइट बाय 3, दैट इज शॉर्ट डिस्टेंस हाइट बाय 3, और लॉन्ग डिस्टेंस दैट इज 2 हाइट बाय 3। ओके, देन आफ्टर राइट एंगल ट्रायंगल के बाद यहां आता है सेमी सर्कल। अब यहां पे सेमी सर्कल में सेंटर कहां पे होता है, देखिए सेमी सर्कल में सेंटर हमेशा डायमीटर के मिड पॉइंट के अंदर होता है, डायमीटर का मिड पॉइंट और उसके अंदर में ये डिस्टेंस है 4r/3π।
और रिमेनिंग डिस्टेंस है आर माइनस फोर आर बाय थ्री पाई। तो फाइनली अब ये सेमी सर्कल के बाद है क्वार्टर सर्कल। क्वार्टर सर्कल का फॉर्मूला देखो क्या है, क्वार्टर सर्कल में और ट्रायंगल में थोड़ी सी सिमिलरिटीज है। सिमिलरिटीज क्या है देखो, ट्रायंगल में जैसा 90 डिग्री का एंगल था और उसी अकॉर्डिंग हमने फॉर्मूला यूज किए थे, क्वार्टर सर्कल में भी बिल्कुल वैसा ही होगा। क्वार्टर सर्कल में भी आपको 90 डिग्री का एंगल मिल जाएगा और बिल्कुल ये 90 डिग्री एंगल के पास में ही सेंटर होता है। ये सेंटर यहां 90 डिग्री एंगल के पास, ये डिस्टेंस है 4r बाय 3 पाई और हाइट में भी ये डिस्टेंस है 4r बाय 3 पाई, दोनों डिस्टेंस सेम है। अगर ये 4r बाय 3 पाई है शॉर्ट डिस्टेंस जो कि 90 डिग्री एंगल के पास में है, तो रिमेनिंग डिस्टेंस है r माइनस 4r बाय 3 पाई यहां पे भी और यहां पे भी r माइनस 4r बाय 3 पाई। ठीक है, तो ये फॉर्मूले जो है आपको याद रखना है, ये फॉर्मूलेज बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज हैं, इनका प्रूफ एग्जाम में नहीं आता, सिर्फ इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स एग्जाम में आते हैं, इसलिए हमने डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मूलेज लिखा के रखे हैं और अब इसी का यूज करके यहाँ पे हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। पर्टिकुलर शेप का सेंट्रॉइड फाइंड आउट करने के मेथड्स काफी सारे हैं, बहुत ही इजी मेथड हम आपके सामने रखेंगे। इजी मेथड क्या, तो हमने यहाँ पे एक टेबल बनाया है, हम इसको टेबल मेथड से सॉल्व करेंगे। तो चलो देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व करना। तो सबसे पहले टेबल की अगर बात करें तो टेबल में हमने क्या क्या लिखा है, ये देखिए हमने यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स बना के रखे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला कॉलम बना है सीरियल नंबर का, ये देखिए जितने भी शेप है वो सीरियल नंबर आपको यहाँ देना है। सेकेंड कॉलम हमने यहाँ पे बनाया है शेप का, जो भी शेप है, जैसे यहाँ पे थ्री शेप्स है तो हमने यहाँ पे थ्री शेप्स के तीनों की तीनों शेप में कौन से शेप है वो हमने बना के रखे हैं। हमें यहाँ रेक्टेंगल दिख रहा है तो हमने रेक्टेंगल बनाया, देन हमने ये ट्रायंगल दिख रहा है तो हमने ट्रायंगल बना दिए, सेमी सर्कल दिख रहा है तो हमने सेमी सर्कल बना दिए। देन नेक्स्ट कॉलम है यहाँ पे एरिया का, यहाँ पे हमें एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया को यहाँ पे ए से शो किया जाएगा, एरिया माने ए, ठीक है। देन यहाँ पे एक्स फाइंड आउट करना है, एक्स जो है वो मीटर में फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे हम एम लिखेंगे, दैट इज मीटर। वाई भी हमें मीटर में फाइंड आउट करना है तो हम यहाँ एम लिखेंगे, अगेन मीटर। देन यहाँ पे ए एक्स फाइंड आउट करना है, ए एक्स माने ये जो एरिया का ए है, ए इंटू एक्स करेंगे तो ये हो जाएगा ए एक्स, और ए इंटू वाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए वाई। तो यहाँ एरिया जो है वो मीटर स्क्वायर में निकलेगा क्योंकि पूरा का पूरा डिस्टेंस जो है वो मीटर में दिया है, तो यहाँ मीटर स्क्वायर में यहाँ पे है, तो हमें यहाँ पे एक काम करेंगे, यहाँ पे एरिया का ए लिखने के बजाय हम यहाँ पे मीटर स्क्वायर जो यूनिट है वो हम लिखेंगे, वो लिखना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो देखिये हमने यहाँ पे मीटर स्क्वायर जो उसका यूनिट है वो लिख दिए, एक्स मीटर में वाई मीटर में, ए एक्स जो है वो मीटर क्यूब में हो जाएगा और ए वाई जो है ये भी मीटर क्यूब में हो जाएगा क्योंकि यहां पे ए इंटू एक्स, देखो ए इंटू एक्स दैट इज मीटर स्क्वायर इंटू मीटर, मीटर क्यूब, और यहां पे भी मीटर स्क्वायर इंटू मीटर दैट इज ए इंटू वाई, तो ये भी मीटर क्यूब। तो फाइनली हमने पूरा ऊपर का ये जो रो है ये हमने कंप्लीट कर लिए। अब यहाँ पे रिमेनिंग टेबल कैसे बनाएंगे वो आप ध्यान देंगे। क्वेश्चन अगर आप प्रॉपरली देखेंगे तो क्वेश्चन में लिखा होता है कि फाइंड द सेंट्रॉइड। हमेशा सेंट्रॉइड जो है वो कोई ना कोई एक्सिस के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करना पड़ता है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि कोई एक्सिस दिया है क्या, यहाँ पे कोई भी टाइप का एक्सिस दिया नहीं है, एक्सिस इन द सेंस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऐसा दिया है क्या, तो यहाँ पे कोई भी टाइप का एक्सिस नहीं दिया है। अगर नहीं दिया है तो यहाँ पे आप इसको बाय डिफॉल्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेके सॉल्व करेंगे। चार क्वाड्रेंट्स होते हैं, चार में से कोई भी एक क्वाड्रेंट में रखना होता है। अगर कोई एक्सिस दिया है प्रॉब्लम में ऑलरेडी, अगर एक्स और वाई एक्सिस बना के दिया है देन इट्स ओके, उसको आप चेंज कर नहीं सकते। लेकिन अगर एक्सिस बना के ही नहीं दिया है तो आप ये पूरा का पूरा शेप फर्स्ट क्वाड्रेंट में रख के यहाँ पे इसको शो करेंगे। तो कैसे शो करना, देखो ये जो लास्ट कॉर्नर है इसको आप ओ कहेंगे, दैट इज ओरिजिन ओ, और यहां से आप निकालेंगे एक्स एक्सिस और इधर निकालेंगे वाई एक्सिस। ये देखिए ये हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ऐसा हमने शो कर दिए। अब देखिए ये पूरा का पूरा जो शेप है यहाँ पे जितने भी शेप्स है सभी के सभी शेप्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पे आ गए। ये देखो जनरली जो यहाँ पे क्वाड्रेंट्स बनते हैं ये कुछ ऐसे बनते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, देन ये थर्ड क्वाड्रेंट और लास्ट में ये फोर्थ क्वाड्रेंट। देखिए ऐसे चार क्वाड्रेंट बनते हैं, सभी क्वाड्रेंट के अपने अपने सिंबल होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट का साइन हमेशा निगेटिव पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट का साइन हमेशा निगेटिव निगेटिव होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट का साइन हमेशा पॉजिटिव निगेटिव होता है। अभी हमने यहाँ पूरा का पूरा शेप फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट माने यहाँ पे, इसका मतलब हमें यहाँ पे जो कुछ भी यहाँ पे एक्स और वाई फाइंड आउट करना है वो पॉजिटिव पॉजिटिव में ही हमें फाइंड आउट करना है। इट मीन्स यहाँ पे आप जो एक्स और वाई निकालेंगे वो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव में होंगे। ये सब कुछ डिपेंड करता है क्वाड्रेंट के ऊपर, जो क्वाड्रेंट में आप लेंगे वो क्वाड्रेंट के साइन के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक्स और वाई का साइन आपका डिसाइड होगा। तो सबसे पहले डायमेंशंस की अगर बात करें तो चलो यहाँ पे डायमेंशंस पहले चेक कर लेते हैं। ये देखिए टेबल में पहले कॉलम में यहाँ पे शेप में ये जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल हमने बना के रखे हैं लेकिन रेक्टेंगल का डायमेंशन हमने नहीं लिखा है,
यहां पे रेक्टेंगल का बेस और हाइट क्या है वो आपको चेक करना पड़ेगा। तो इसका बेस जो है, इसका बेस होगा 6 मीटर और इसका हाइट होगा 2 मीटर। तो ये हम लिखेंगे यहां बेस 6 मीटर और हाइट जो है वो हम लिखेंगे यहां 2 मीटर। अब इसका बेस 6 मीटर कैसा, तो देखिए ये रेक्टेंगल के जो ऊपर है सेमी सर्कल है, देखिए रेक्टेंगल के ऊपर सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का रेडियस यहां पे 3 मीटर है, तो डायमीटर इसका 6 मीटर हो जाएगा। जो भी सेमी सर्कल का डायमीटर होगा वही रेक्टेंगल का बेस हो जाएगा। और हाइट लिख लिए 2 और अब हम इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। इसका एरिया हो जाएगा 12 मीटर स्क्वायर। देखो यहां पे मीटर स्क्वायर ऑलरेडी ऊपर लिखा है, डबल आपको अंदर में मीटर स्क्वायर करके लिखने की जरूरत नहीं है। यहां पे आपको कैलकुलेशन लिखने की भी जरूरत नहीं है, फार्मूला लिखने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आंसर लिखेंगे तो भी चलेगा। देन आफ्टर यहां पे जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल का यहां पे साइज देखो, ट्रायंगल का साइज है यहां पे इसका बेस है 3 मीटर और इसका हाइट होगा 2 मीटर, क्योंकि देखो इधर रेक्टेंगल का हाइट 2 मीटर है, तो जो रेक्टेंगल का हाइट है वही ट्रायंगल का हाइट हो जाएगा। तो ये ट्रायंगल है 3/2 का, तो यहां पे इसका बेस है 3 मीटर और इसका हाइट है 2 मीटर। तो हम लिखेंगे अब इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। इसका एरिया, एरिया फाइंड आउट करने का फार्मूला है हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू 3 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 3 मीटर स्क्वायर। लेकिन यहां पे सिर्फ 3 लिखना है, मीटर स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि ऊपर में लिखा है। देन आफ्टर है सेमी सर्कल, सेमी सर्कल यहां पे है, सेमी सर्कल का रेडियस देखो 3 है, तो यहां पे हम रेडियस लिख लेंगे 3 मीटर। सेमी सर्कल का रेडियस 3 है तो इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। इसका एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है यहां पे देखो पाई आर स्क्वायर बाय 2। यहां पे आप कैलसी का यूज करेंगे, कैलसी में ये जो पाई सिंबल है डायरेक्टली उसका यूज करो, पाई का सिंबल कैलसी में अवेलेबल है, आप बिल्कुल वो सिंबल का यूज करके सॉल्व करो, तो इसका आंसर आएगा दैट इज 14.137। तो फाइनली ये दो कॉलम जो है वो हमने कंप्लीट कर लिए। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं और x और y फाइंड आउट करेंगे। ये x और y फाइंड आउट करना ही सबसे इंपॉर्टेंट है। जिस किसी को x और y फाइंड आउट करते आ गया उसको पूरा सेंट्रोइड आ गया, उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ गया, उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आ जाएगा और उसको प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया भी आ जाएगा। पूरा खेल ये x और y के ऊपर है। हम ये जो भी प्रैक्टिस करेंगे सिर्फ x और y के लिए ही प्रैक्टिस करेंगे। अगर x और y फाइंड आउट करते नहीं आया तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, फिर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी नहीं आएगा, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया भी नहीं आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट x और y है। अगर कोई स्टूडेंट कहता है कि मुझे सेंट्रोइड नहीं आता या सेंट्रोइड बहुत ही डिफिकल्ट लगता है, कंफ्यूजिंग लगता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया नहीं आता, तो समझ जाना कि उसको x और y फाइंड आउट करते नहीं आता। पूरा खेल ये x और y के ऊपर ही है, इसलिए x और y की प्रैक्टिस करो। चलो देखते हैं यहां पे x और y कैसे फाइंड आउट करना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और x और y फाइंड आउट करने के लिए हम आपको 3 रूल्स बताएंगे, आपको वो 3 रूल्स को सीरियसली फॉलो करना है, आपका x और y कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें रेक्टेंगल का x और y फाइंड आउट करना है। तो चलो देखो रेक्टेंगल में हम वो 3 रूल्स अप्लाई करेंगे। रूल नंबर 1, रेक्टेंगल का हमें x और y चाहिए, तो रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 बहुत ही आसान है। रूल नंबर 1 ये है कि लोकेट द सेंटर, रेक्टेंगल में लोकेट द सेंटर। हमें रेक्टेंगल का x और y चाहिए तो सिर्फ रेक्टेंगल की तरफ देखो, बाकी कोई भी शेप की तरफ ध्यान मत दो। रेक्टेंगल में लोकेट द सेंटर, रूल नंबर 1 लोकेट द सेंटर। तो ये हमने रेक्टेंगल में सेंटर शो किए, लोकेट द सेंटर हमारा रूल नंबर 1 हमने फॉलो कर लिए। हमने बताए थे यहां पे कि रेक्टेंगल में सेंटर कहां होता है, तो हमने बताए थे रेक्टेंगल में सेंटर बीचों बीच होता है, एट द मिडल ऑफ रेक्टेंगल, बीचों बीच रहता है रेक्टेंगल के। तो ये देखो रेक्टेंगल के बीच में हमने सेंटर शो किए, रूल नंबर 1 लोकेट द सेंटर हो गया। अब रूल नंबर 2, अब देखो रूल नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी तरफ ध्यान दो। रूल नंबर 2 है कि ये सेंटर से आपको दो परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करना है x और y एक्सिस पे। एक लाइन x एक्सिस पे ये देखो और एक लाइन y एक्सिस पे, ये x एक्सिस पे परपेंडिकुलर आया और ये y एक्सिस पे परपेंडिकुलर आया। ठीक है, हम यहां पे परपेंडिकुलर सिंबल शो नहीं करेंगे, हम यहां पे एरो का सिंबल शो करेंगे, लेकिन ध्यान में रखना ये लाइन जो है ये परपेंडिकुलर है। तो रूल नंबर 2 के हिसाब से सेंटर से आपको दो लाइन ड्रॉ करना है, एक लाइन ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस और एक लाइन ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। ये हमने सेकंड रूल यहां पे फॉलो कर लिए। अब थर्ड रूल, अब देखो थर्ड रूल क्या है। थर्ड रूल ये है कि जो आपने दो लाइन ड्रॉ किए उसमें से हॉरिजॉन्टल लाइन इट मींस एक्स डिस्टेंस और जो वर्टिकल लाइन है वो है वाई डिस्टेंस। बस ये एक्स और वाई डिस्टेंस फाइंड आउट करके आपको यहां लिखना है। तो चलो देखते हैं ये x और y कैसे फाइंड आउट करना, बहुत ही आसान है, फार्मूला आपके सामने है, बस ये फार्मूला यहां पे लगा दो तो आपको x और y इजीली मिल जाएगा। देखो अगर आपको सेंटर से इतना डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो यहां पे लगेगा बेस बाय 2 का फार्मूला। ये देखो सेंटर से इधर का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है रेक्टेंगल में तो यहां लगेगा बेस बाय 2 और y फाइंड आउट करने में लगेगा हाइट बाय 2। तो हम x के लिए बेस बाय 2 यूज करेंगे और y के लिए हाइट बाय 2 यूज करेंगे। तो सबसे पहले बेस बाय 2 करेंगे, तो बेस बाय 2, बेस क्या है रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल का बेस 6 है, तो 6/2 दैट इज 3।
और y फाइंड आउट करो, y माने हाइट बाय 2, हाइट क्या है उसका, हाइट उसका 2 है, तो हाइट बाय 2 माने 2 बाय 2 माने 1। तो फाइनली हमने x और y फाइंड आउट कर लिए। अब यहां पे एरिया है, एरिया इंटू x करो, दैट इज a इंटू x करो, तो ये हो जाएगा ax, और a इंटू y करो तो ये हो जाएगा ay। a इंटू x किए तो आपको ax मिलता, a इंटू y किए तो आपको ay मिलता, तो ये बहुत ही आसान है। तो फाइनली रेक्टेंगल का पूरा डाटा आ चुका है। अब आते हैं ट्रायंगल की तरफ, चलो देखते हैं ट्रायंगल का x और y यहां पे क्या निकलता है। ट्रायंगल का एरिया तो हमने पहले ही निकाल दिया, बस हमें x और y फाइंड आउट करना है। तो x और y फाइंड आउट करने के लिए ट्रायंगल्स में फिर से रूल लगाओ, वही 3 रूल्स जो हमने बताए थे। रूल नंबर 1, लोकेट द सेंटर। पहले आपको ट्रायंगल में सेंटर शो करना है। रूल नंबर 1, लोकेट द सेंटर। देखो ट्रायंगल ये राइट एंगल ट्रायंगल है, सेंटर कहां पे होता है, ट्रायंगल में सेंटर 90 डिग्री एंगल के पास में होता है। देखिए ये 90 डिग्री एंगल के बिल्कुल पास में सेंटर रहेगा, तो हम यहां पे सेंटर शो करेंगे, ये 90 डिग्री का एंगल और इसके पास में सेंटर, तो ये है सेंटर। रूल नंबर 1, लोकेट द सेंटर, तो हमने सेंटर शो करे। अब रूल नंबर 2, सेंटर से दो लाइंस ड्रॉ करना है, एक लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस और एक लाइन परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। तो चलो हम ड्रॉ करेंगे सेंटर से दो लाइन, तो ये एक लाइन एक्स एक्सिस पे और ये एक लाइन वाई एक्सिस पे। देखिए ये जो हम सेकंड रूल फॉलो कर रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने कहा था कि सेंटर से दो लाइन ड्रॉ करना है, एक लाइन एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस बिल्कुल पास में है, लेकिन वाई एक्सिस पे जो हमें लाइन ड्रॉ करना है, देखो वाई एक्सिस यहां पे है, तो यहां तक आपको लाइन ड्रॉ करना है। सेंटर जहां कहीं पे भी हो वहां से लेके पूरा आपको एक्स और वाई एक्सिस तक आपको ऐसा लाइन ड्रॉ करना है। तो देखिए इतना लंबा लाइन ड्रॉ हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 ये है कि ये जो दो लाइंस आपने ड्रॉ किए वो दो लाइंस में से एक जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो एक्स होगा और जो वर्टिकल लाइन है वो वाई होगा। इट मींस ये जो इतना लंबा एक्स, ये जो इतना लंबा लाइन जो आपने ड्रॉ किए हॉरिजॉन्टल लाइन, ये है एक्स डिस्टेंस, और ये जो आपने छोटा सा लाइन ड्रॉ किए ये है आपका वाई डिस्टेंस। तो चलो ये एक्स डिस्टेंस और वाई डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, और ये फाइंड आउट करना बहुत आसान है। ट्रायंगल में जो फॉर्मूला है वो हमें लगाना है। देखो 90 डिग्री एंगल के पास में ये दोनों जो डिस्टेंस है वो होते हैं बेस बाय 3, हाइट बाय 3, तो उसका यूज हम कर सकते हैं। देखो ये इतना डिस्टेंस बेस बाय 3 है और इतना डिस्टेंस हाइट बाय 3 है, और ये दोनों डिस्टेंस यहां पे आपको क्लियर कट दिख रहे हैं। देखिए इतना डिस्टेंस आपको, ये देखिए ये इतना डिस्टेंस है बेस बाय 3, तो हम लिखेंगे बेस बाय 3, और ये डिस्टेंस है हाइट बाय 3। देखिए ये जो छोटा सा डिस्टेंस है ये है हाइट बाय 3, हम यहां लिखेंगे हाइट बाय 3। ये देखिए ट्रायंगल में हमने कहा था जिस टाइप का सिंबल रहेगा उसी टाइप का फॉर्मूला रहेगा। सिंबल ऐसा है, तो देखिए सिंबल 90 डिग्री का सिंबल ऐसा है, तो यहां पे ये बेस बाय 3, ये हाइट बाय 3, ये है ना, ये सिंबल इस स्टाइल का, ये देखो ये सिंबल ऐसा है, तो जैसा सिंबल है वैसा ही रहेगा, ये बेस बाय 3, ये हाइट बाय 3। तो फाइनली हमने फार्मूला तो हमने यहां अप्लाई कर लिया, लेकिन हमें एक्स और वाई कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए ये जो हाइट बाय 3 है, हाइट बाय 3 में पूरा आपका वाई कवर हो गया। देखिए यहां से यहां तक हाइट बाय 3 इट मीन्स वाई, तो y आपका हाइट बाय 3 इट मीन 2 बाय 3, तो 2 बाय 3 करना पड़ेगा। 2 बाय 3 करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो आपका y हो जाएगा, तो ये हम लिखेंगे 2 बाय 3 करने के बाद 0.666, दैट इज 2 बाय 3। कैलकुलेटर में आपको सॉल्व करना पड़ेगा, देखते हैं 2 बाय 3 कैलकुलेटर में क्या आता है। बिल्कुल सही है, ये हमने चेक किए 0.666, हमने हाइट बाय 3 से y फाइंड आउट कर लिए, इतना ही हमारा y है। और अब हमें x चाहिए, तो x कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए x जो है वो यहां से लेके इतना लंबा, ये देखिए इतना लंबा x है, तो इतना लंबा x फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले ये जो छोटा सा बेस बाय 3 का लेंथ है वो फाइंड आउट कर लो। बेस बाय 3, बेस कितना है, 3 है, देखो ट्रायंगल का बेस 3 है। बेस बाय 3 माने 3 बाय 3, 3 बाय 3 माने इतना डिस्टेंस होगा 1 मीटर, 1 प्लस इधर का, ये इतना रेक्टेंगल का बेस, रेक्टेंगल का बेस कितना है, ये है 6 मीटर, तो जाहिर सी बात है टोटल हो जाएगा 7। तो ये हम लिखेंगे यहां पे ट्रायंगल का एक्स हमने लिख दिया 7। 7 कैसे आया फिर से देखो, बहुत आसान है, यहां से यहां तक बेस बाय 3, ये इतना बेस बाय 3 प्लस 6, दैट इज 1 प्लस 6, ये हो गया दैट इज 7। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे, यहां पे a इंटू x ax करेंगे और a इंटू y ay करेंगे। कैलसी में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो 3 इंटू 7 तो ये हो जाएगा 21, और 3 इंटू 0.666 हम इसको सॉल्व करेंगे कैलसी में, तो इसका आंसर आ रहा है दैट इज सॉल्व करने के बाद 1.998, तो हम इसको लिखेंगे 1.998। तो हमने फाइनली ट्रायंगल का पूरा डाटा यहां पे कलेक्ट कर लिए। अब बचा है सेमी सर्कल, तो चलो देखते हैं सेमी सर्कल में एक्स और वाई कैसे फाइंड आउट करेंगे।
तो सेमी सर्कल का एक्स और वाई फाइंड आउट करने के लिए रूल्स के अकॉर्डिंग चलो, जो हमने थ्री रूल्स बताए थे उसी अकॉर्डिंग चलो। सबसे पहले रूल नंबर वन, हमें सेमी सर्कल का सेंटर शो करना पड़ेगा। रूल नंबर वन, लोकेट द सेंटर, जो हमने बताए थे रूल नंबर वन लोकेट द सेंटर। तो यहां पे आपको सेंटर शो करना पड़ेगा। सेमी सर्कल का सेंटर कहां पे होता है, तो हमने यहां बताए थे डायमीटर के मिड पॉइंट के अंदर। सबसे पहले आपको डायमीटर देखना है, डायमीटर का मिड पॉइंट लेना है और उसके अंदर में आपको सेंटर शो करना है। तो चलो यहां पे सेंटर शो करेंगे। ये डायमीटर देखो, सेमी सर्कल का ये डायमीटर, डायमीटर का यहां कहीं मिड पॉइंट और मिड पॉइंट से अंदर ये हमने सेंटर शो करना है। तो ये हमने सेंटर शो करे डायमीटर के मिड पॉइंट के अंदर, हमने सेंटर शो करे। रूल नंबर वन हो गया। अब रूल नंबर टू, सेंटर से आपको दो लाइंस ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर टू एक्स एंड वाई एक्सिस। सबसे पहले एक्स एक्सिस पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये देखिए, एक लाइन हमने एक्स एक्सिस पे बना दिए और एक लाइन वाई एक्सिस पे बना देंगे। तो यहां पे रूल नंबर टू सबसे इंपॉर्टेंट है कि सेंटर से दो लाइंस ड्रॉ करना है और ये दो लाइंस आपको तब तक ये लाइंस ड्रॉ करना है जब तक वो एक्स और वाई एक्सिस को टच नहीं होती। अब रूल नंबर थ्री, रूल नंबर थ्री ये है कि जो आपने दो लाइंस ड्रॉ किए थे उसमें से हॉरिजॉन्टल लाइन इट मींस एक्स डिस्टेंस और जो वर्टिकल लाइन ड्रॉ किए थे वो है वाई डिस्टेंस। तो ये है एक्स डिस्टेंस और ये है y डिस्टेंस। तो चलो ये x और y डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे और यहां लिखेंगे। अब सेमी सर्कल में हमने थोड़ी देर पहले बताए थे कि सेमी सर्कल में एक डिस्टेंस जो है, ये देखिए यहां पे लिखा है रेडियस, इधर भी लिखा है रेडियस क्योंकि ये डायमीटर है, तो डायमीटर का हाफ हाफ दैट इज रेडियस, रेडियस है और इधर का डिस्टेंस 4r/3π है। हमेशा एक बात ध्यान में रखो कि सेमी सर्कल में एक डिस्टेंस रेडियस से मिलता है तो दूसरा डिस्टेंस ये 4r/3π से मिलता है। क्या कहा हमने, सेमी सर्कल में एक डिस्टेंस हमेशा रेडियस से मिलता है और दूसरा डिस्टेंस हमेशा 4r/3π से मिलता है। अब सुनो कि कौन सा डिस्टेंस रेडियस से मिलता है, कौन सा डिस्टेंस, तो ध्यान से सुनो, सेमी सर्कल में वो डिस्टेंस रेडियस होता है जो डिस्टेंस उसके डायमीटर को पैरेलल है। क्या कहा हमने, सेमी सर्कल में वो डिस्टेंस रेडियस होता है जो डिस्टेंस उसके डायमीटर को पैरेलल है। तो यहां पे आप प्रॉपरली चेक करो कौन सा डिस्टेंस डायमीटर को पैरेलल है वो आप चेक करो। ये देखिए, ये एक्स डिस्टेंस, ये वाई डिस्टेंस। तो देखो एक्स और वाई में से कौन सा डिस्टेंस उसके डायमीटर को पैरेलल है, तो ये देखिए, ये जो एक्स डिस्टेंस है ये उसके डायमीटर को पैरेलल है। ये देखिए, ये पूरा डायमीटर है, डायमीटर को एग्जैक्टली पैरेलल है ये एक्स डिस्टेंस, तो एक्स डिस्टेंस ही उसका रेडियस हो जाएगा। तो x हो गया उसका रेडियस, तो हम यहां पे x का लेंथ लेंगे जो रेडियस है दैट इज 3। और अब हमें y का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो y का डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए अब आपको 4r/3π ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। एक साइड में आपको रेडियस का डिस्टेंस यूज करना पड़ता है तो दूसरे साइड में 4r/3π का यूज करना पड़ता है। तो y फाइंड आउट करने के लिए आपको 4r/3π का यूज करना पड़ेगा। अब देखिए, इतना जो लंबा ये जो y है ये पूरा डिस्टेंस फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, हमें यहां से लेके यहां तक 2 मीटर ऑलरेडी पता है। ये देखिए, यहां पे रेक्टेंगल का हाइट हमें पता है 2 मीटर, तो रेक्टेंगल का हाइट 2 मीटर है, इट मींस यहां से लेके यहां तक 2 मीटर है, हमें बस यहां से इतना डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। चलो देखते हैं ये डिस्टेंस, ये देखिए, ये हम इसको डबल यहां पे शेडेड कर लेते हैं। ये देखिए, हमें बस इतना डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अगर हमें ये डिस्टेंस मिल गया तो ये डिस्टेंस ये 2 में ऐड कर लो, नीचे यहां से यहां तक 2 मीटर है, तो आपको बस ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, उसमें आपको ये डिस्टेंस ऐड करना है तो टोटल वाई मिल जाएगा। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस होगा 4r/3π। देखो फार्मूला जो लिखा है उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। फार्मूला देखो यहां पे लिखा है, सेंटर से लेके डायमीटर के बीच का डिस्टेंस लिखा है। देखो सेंटर से डायमीटर के बीच का लिखा है 4r/3π, सेंटर और डायमीटर के बीच में 4r/3π लिखा है। ये देखिए, ये सेंटर है, सेंटर से डायमीटर के बीच का डिस्टेंस है ये हमने लिख दिए 4r/3π। तो इतना डिस्टेंस 4r/3π से निकालो और ये उसमें नीचे का जो डिस्टेंस 2 मीटर है वो ऐड करो, तो ये हो जाएगा टोटल दैट इज 3.273। क्योंकि ये 4r/3π से सॉल्व करने के बाद ये आंसर आएगा 1.273। ठीक है, ये 4r/3π से ये आंसर आएगा 1.273, उसमें आपको 2 ऐड करना है तो वो हो जाएगा 3.273। यहां से यहां तक 4r/3π कैलकुलेटर में 4 × r, माने 3 मीटर जो उसका रेडियस है, डिवाइडेड बाय 3π, पाई का सिंबल यूज करना, तो 4r/3π करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1.273। तो यहां से यहां तक 1.273 और यहां से फिर नीचे का 2 मीटर, तो ये दोनों को ऐड कर दिए तो ये हो जाएगा 3.273। और अब हम इसको यहां पे a(x) करेंगे, a(y) करेंगे, उसके लिए हम कैलसी का यूज करेंगे। तो चलो देखते हैं, 14.137 × 3 करने के बाद कैलसी में आंसर आ चुका है हमारे पास, दैट इज 42.411। और यहां पे 3.273, हम यहां पे 273 लिखेंगे, 14.137 × 3.273, तो ये आंसर है हमारे पास 46.27।
तो फाइनली हमने पूरा टेबल यहां पे कंप्लीट कर लिया है और अब हमें यहां पे सॉल्व करना है। आगे आगे क्या सॉल्व करना है देखो हम आपको बताएंगे। यहां पे हमें कुछ समीशन करना है। किसका समीशन करना है? तो यहां पे एरिया का समीशन करना, देन ए एक्स का समीशन करना और लास्ट में ए वाई का समीशन करना। तो एरिया का समीशन यहां पे 12 + 3 + 14.137 तो हम ये करेंगे। तो ये समीशन करने के बाद कैलसी में हमने निकाले तो ये हो गया 29.137 14.137 + 12 + 3 किए और अब हमें ax का समीशन करना है 36 + 21 + 42.411। तो ये आंसर आया है 99.411 और अब हम ay का समीशन करेंगे 12 + 1.998 + 46.27। तो ये आंसर है हमारे पास 60.60.268। तो फाइनली हमने सभी का समीशन कर लिया लेकिन प्रॉब्लम कंप्लीट नहीं हुआ। सिर्फ ये टेबल बनाने से काम नहीं चलेगा, अब हमें सेंट्रोइड एक्स बार वाई बार फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला अप्लाई करना है। देखो फार्मूला हम यहां पे लिखा के दे रहे हैं। फार्मूला है एक्स बार का, दैट इज समेशन ऑफ ए एक्स बाय समेशन ऑफ ए, और वाई बार का फार्मूला है दैट इज समेशन ऑफ ए वाई बाय समेशन ऑफ ए। बस आपको इसका यूज करना है। तो समेशन ऑफ ए एक्स, समेशन ऑफ ए एक्स है 99.411 और समेशन ऑफ ए है 29.137 और देखते हैं यहां पे एक्स बार क्या आएगा। उसी तरह से समेशन ऑफ ए वाई दैट इज 60.268 डिवाइडेड बाय 29.137 और इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखो इसको सॉल्व करने के बाद कैलसी में हम इसको सॉल्व करेंगे 99.411 डिवाइडेड बाय 29.137। तो ये आंसर आ चुका है दैट इज 3.411 मीटर और ये सेकंड अगर हम सॉल्व करेंगे तो सेकंड सॉल्व करने के बाद दैट इज 60.268 डिवाइड बाय 29.137 तो ये 2.068 मीटर। तो फाइनली हमने एक्स बार वाई बार फाइंड आउट कर लिए, इट मीन्स हमें यहां सेंट्रोइड मिल गया। सो देयरफॉर हम यहां सेंट्रोइड, देयरफॉर यहां सेंट्रोइड सी इक्वल्स टू, सो सी का यहां पे जो भी वैल्यू है दैट इज 3.411 मीटर और कॉमा 2.068 मीटर, ऐसा आप लिखेंगे और प्रॉब्लम यहां पे कंप्लीट हो गया। तो फाइनली प्रॉब्लम हमने कंप्लीट कर लिए, सेंट्रोइड का फर्स्ट प्रॉब्लम यहां पे हो गया। लेकिन सेंट्रोइड की ये एक ही प्रॉब्लम में पूरा सेंट्रोइड क्लियर हो गया ऐसा नहीं है, हमें नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करना पड़ेगा क्योंकि यहां पे जो भी शेप्स है ये सीधे सीधे दिए थे, जो हमने फॉर्मूलेस लिखा के दिए हैं बिल्कुल उसी अकॉर्डिंग यहां पे शेप दिए हैं। जैसा सेमी सर्कल यहां पे दिया है वही सेमी सर्कल यहां पे है, जैसा ट्रायंगल यहां पे है वैसे ही ट्रायंगल यहां पे है। तो आपने डायरेक्ट फार्मूला उठा के यहां लगा दिए। लेकिन कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जब ये शेप जो है ये उल्टे होते हैं, कभी ये ट्रायंगल ऐसा रहेगा, कभी ऐसा, कभी ये सेमी सर्कल अभी ऐसा दिया है, कभी उल्टा रहेगा, कभी खड़ा रहेगा। तो ऐसे में आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा क्योंकि ऐसे में कैसे फॉर्मूलेज अप्लाई करना वो ही सबसे इंपॉर्टेंट है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को वहां कंफ्यूजन होता है और फिर उनका एक्स और वाई रॉन्ग हो जाता है। और एक बार एक्स और वाई अगर रॉन्ग हो गया तो आपका ए एक्स ए वाई भी रॉन्ग हो जाएगा, ए एक्स ए वाई रॉन्ग हो गया तो ऑब्वियसली आपका एक्स बार वाई बार भी रॉन्ग हो जाएगा और प्रॉब्लम रॉन्ग। कहने का मतलब यह है कि आगे चल के और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करना पड़ेगा ताकि आपका एक्स और वाई का कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। पूरा खेल जो है वो एक्स और वाई के ऊपर है। तो फिलहाल ये जो हमने आज एक प्रॉब्लम लिए, उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। इसके आने वाले वीडियोस में इसके नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करने वाले हैं। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसके पहले हमने जितने भी टॉपिक्स लिए थे वो सभी टॉपिक स्टडी करने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। आपको अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स जिनको इसकी जरूरत है आप उनके साथ इसको शेयर करिए। कुछ डाउट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और आपने अगर अभी भी अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करिए ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thank you very much.